बड़ी खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां बालगृह का ताला तोड़कर दो किशोर लापता हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस तलाश में जुटी है। बताया जाता है कि जवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज का रहने वाला किशोर और सीधी जिले के कमरजी निवासी किशोर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में संचालित हरि बालगृह में रह रहे थे, जो बालगृह का ताला तोड़कर लापता हो गए हैं। फिलहाल हरि बालगृह के अधीक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं बाल सुधार गृह से किशोरों के भागने के संबंध में संचालक विक्रांत बेदी ने बताया कि बच्चों को बाल संप्रेषण गृह में रखना चाहिए था, लेकिन न्यायालय ने हमारे यहाँ रखने का आदेश दिया था। गनीमत रही कि बड़ी वारदात को अंजाम देकर किशोर फरार नहीं हुए। आइए सुनाते हैं संचालक ने क्या जानकारी दी है। अमरन पांडे बोल रहा हूँ भाई साहब, विराट 24 न्यूज चैनल जी, बताइए। ये अपने बाल से गृह से तो बच्चे फरार हो गए ताला वाला तोड़कर। हाँ, ये कैसे थे, ये क्या रखे गए थे इनको, किस कारण? ये क्या था कि अपने यहाँ के बच्चे नहीं थे संप्रेक्षण गृह से, ये मैंने 5 बार संप्रेक्षण गृह जा चुके हैं बच्चे जी। अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए था, अपने यहाँ देख रेख संरक्षण के हैं जी। ये समझाई उनके लिए कहीं नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो गया। इनको बाल संप्रेषण गृह वहाँ रतहरा में रखना चाहिए था, वहीं रखना था, तो मैडम ने भी भेज दिया। मजिस्ट्रेट के आदेशों के अवहेलना तो की नहीं जा सकती। तो ये किन धाराओं में बंद थे, यहाँ रखा गया था इनको? ये धाराओं ने हमारे यहाँ तो भेज दिया था कि नशा मुक्ति केंद्र ले जाइए। किस्मत से नशा मुक्ति केंद्र ले जाते थे। हाँ। मैंने किसी दिन मार के नहीं भगा कर्मचारी को। ये तो दोनों लड़के ये फरार हो गए, कैसे जानकारी हुई? दूसरे दिन? उसी दिन हो गई। अच्छा। तोड़ के गए हैं तो घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कुछ जानकारी हो पाई अभी? नहीं, ये 4-5 बार मैंने जो इनकी हिस्ट्री मिली है। हाँ। वो 4-5 बार जा चुके हैं वहाँ आपके क्या कहते हैं संप्रेक्षण गृह, आदतन है सर ये, मैंने संप्रेक्षण गृह जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है।